मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हॉस्टल कैसा होता है, ठीक है? बस एक सिंपल वीडियो है, मिरर। मैं जहाँ जाता हूँ मैं हॉस्टल में रुकता हूँ, क्योंकि वो कम पैसे में मेरे को अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल। ये रहा हॉस्टल कमरा जिसमें बंक बेड लगा रहता है। मेरे इस हॉस्टल में अटैच बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है लेकिन अटैच्ड है। बंक बेड होते हैं, वो वाला बेड मेरा है जिसमें टॉवल हॉस्टल वाले ही दिए हुए हैं। 6 बेड्स का होता है। एसी लगा रहता है इस ऐसे रूम में, हर हॉस्टल के रूम में एसी लगा रहता है, किसी किसी में ही नहीं होता है। नीचे जो देखेंगे ये है सेफ, सामान सेफ रखने के लिए जगह, जिसको आप ताला लगा के रख सकते हैं। आपका कोई भी इम्पोर्टेंट हो वहाँ, जैसे देख पा रहे हैं आप, उसको ताला मार सकते हैं। मेरा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं तो मैं ताला नहीं मारा हूँ। चेयर टेबल नॉर्मल जो होता ही है। और ये रहा मैं, हेलो। तो ये रहा मैं, तो यही है सिंपल छोटा सा हॉस्टल। ये मेरे को पड़ रहा है अभी 600 रुपये पे, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स पे ये मिलते हैं ये हॉस्टल्स। कभी मेरे को 300 में मिलता है, कभी 500, कभी 600, कभी 200 ऐसा। डस्टबिन तो पॉइंट और लाइट सब यहीं पे रहता है, चार्जिंग करना है। एक सेकेंड, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ चार्जिंग पॉइंट मोबाइल का। सॉकेट चेंज रहता है, हर कंट्री में अलग सॉकेट रहता है और हर हॉस्टल में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे वो अमेरिकन स्टाइल दिए हैं, यूजुअली मेरे को वो अपना तरीके वाला वो मिलता है, यूनिवर्सल रहता है वो। और एक बेड लाइट मिलता है हर बेड पे, जिसका स्विच वो रहा जिसको मैं चालू किया था। तो अगर रात हो चुका है तो आप आराम से अपना बेड लाइट ऑन करके आप बैठ सकते हैं, ना ही इन लाइट्स को चालू करेंगे। अब वो है स्टोरेज का जगह, उसमें मैं वॉलेट या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसको मैं रख सकता हूँ। तो ये है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, जो ऊपर बंक में रहता है वो इस सीढ़ी से ऊपर जा सकता है और वहाँ पे रह सकता है आराम से। उसके पास भी वही चीज़ है, इसे देख पा रहे, सॉकेट, बेड लाइट और स्टोरेज। ये है नॉर्मल, कंबल अम्बल सब कुछ मिलता है। टॉवल जैसे बोला उसको हॉस्टल से ही मिला है। ये रहा मेरा बेड। तो ये था हॉस्टल जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ। मैं होटल का भी नहीं लेता क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और इससे बेटर और कहाँ, ऐसा लोकेशन से बेटर और कहाँ। यहाँ इस हॉस्टल में आपको किचन एरिया भी मिलेगा। किसी किसी हॉस्टल में तो पूरा दिन फ्री कॉफ़ी एंड टी मिलता है। मैं वो सब एरिया नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे बाकी गेस्ट भी रहते हैं और उनके परमिशन के बिना उनको शूट नहीं कर सकता। तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो सेक्शन अभी के लिए नहीं दिखा सकता। बस याद, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक टेबल है उसके ऊपर चाय कॉफ़ी रखा हुआ है। अब कोई कोई जूस भी देते हैं तो जूस भी रखा रहता है, आप जूस पी सकते हैं। इस हॉस्टल का खासियत ये है कि इसके टॉप फ्लोर पर जहाँ किचन है, किचन के साथ वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर भी रखा हुआ है। सुबह में अपना कपड़ा साफ़ किया था, यहाँ से टोकन ले लिया था और पैसा दे के यूज़ करना रहता है। मामूली अमाउंट है, 100-200 ही मेरे को बस लगा वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए। तो मैं कपड़े धो के वहीं छत पे ही सुखाने डाल दिया हूँ कपड़े को, और वहीं पे किचन भी है। अगर आप बाहर से खाना लेके आ रहे हैं तो आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। जो करना है, आप बियर वियर पीना चाहते हैं तो आप ऊपर में जाके, वो जो रूफ टॉप रहता है वहाँ पे आप जाके पी सकते हैं। हर हॉस्टल में नहीं रहता पर काफ़ी ऑलमोस्ट सभी हॉस्टल में किचन एरिया रहता है जहाँ पे आप बैठ के अपना खाना पीना ला के बैठ के खा सकते हैं या बना सकते हैं, अगर गैस है या अगर वो लोग वो इलेक्ट्रिक स्टव या इलेक्ट्रिक राइस कुकर सब रखें तो वो सब आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी रीज़न से मैं हॉस्टल बुक करता हूँ ताकि मेरे को ये सब फैसिलिटीज़ मिले। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बाहर से खाना ला रहा हूँ तो खाना, बैठ के खाने के लिए चेयर टेबल, एक एंटरटेनमेंट रूम जहाँ पे टीवी चल रहा होता है, आप जाओ बैठो कॉफ़ी लेके बैठ जाओ और टीवी देखो या गेम्स खेलो, जो करना है करो। वैसे गेम्स खेलने को ना आता है लेकिन अगेन वो बस ऑप्शन है आपके पास। एंड रहने के लिए, सोने के लिए ये बेड बहुत कंफर्टेबल है, जैसे देख पा रहे हो बहुत मुलायम है ये। हर हॉस्टल का अलग अलग बेड्स रहते हैं तो अगेन बोलने के बाद कुछ है नहीं।
अच्छा खासा बेड, कंबल, एसी और टवल मिला हुआ है। मेरे को खुद का टवल लेके भी कहीं जाना नहीं पड़ता, हर हॉस्टल में टवल देते ही देते। तो यही था हॉस्टल एंड मैं क्यों हॉस्टल में रुकता हूँ वो उसका वजह। अगर हो सके तो और मैं हॉस्टल का फुटेज में डालने की कोशिश करूँगा, वरना देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।